राम मंदिर बनवाया अच्छी बात है, लेकिन उससे राम मंदिर में जाके हमारी कोई परेशानी। चलो बड़ा राज मंदिर में जाके क्या भीख मांगेंगे, क्या वहाँ पढ़ पाएंगे, क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, क्या बड़ा बात है, निभा तो दिया। क्या राम मंदिर में क्या करोड़ों लेके भीख मांगेंगे, क्या घंटा बजाएंगे जाके वहाँ पे? देश से गरीबी मिटाए, लेकिन गरीबी नहीं मिटाए, लेकिन गरीबों को जरूर मिटा देगा। सुने थे कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हमें तो कहीं कोई दिखाई दे नहीं रहा। इंटर बीएड वगैरह वगैरह करने वाले बच्चे आज तक सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं है, ना तो कोई प्राइवेट है ना कोई सरकारी है। सर आप देख रहे हैं डीएस4, मैं हूँ आपके साथ तफीसा। 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चाएं तो अब जोरों से है, लेकिन उससे पहले ठीक पीएम मोदी ने अब अपने मंत्रियों को जीत का मंत्र दे दिया है, 25 साल का लक्ष्य दे दिया है और बता दिया है कि जनता के बीच जाइए, 9 महीने के भीतर 9 साल की जो उपलब्धियां हैं जो उन्होंने काम किए उसको जनता के बीच ले जाइए। ऐसे में जनता के बीच में हाजिर हूँ और समझूंगी जानूंगी कि जनता क्या मन बनाए बैठी है 2024 में किसकी नई पार लगाने वाले। लेकिन उससे पहले वो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करने वाली हूँ जिसको लेकर अक्सर मैं जमीनी हकीकत जानती हूँ, देखती हूँ, लोगों के बीच जाती हूँ, यानी कि महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे बड़े मुद्दे जिसको लेकर सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन 9 साल बाद बेरोजगारी और महंगाई की हाल क्या है? टमाटर सबको रुला रहा है, हाँ, लाल गाल करने वाला लाल लाल टमाटर अब सबके लिए बेहाल बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर के दाम 140 से 160 पहुंच गए, तो वही प्याज के दाम भी बढ़ गए। ऐसे में आम जनता है जो शाम के वक्त अपनी नौकरियों से घर जा रहे होंगे, कुछ लोग कहीं सब्जी भी लेने जा रहे होंगे, तो बातचीत करते हैं सर हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम राजकुमार है। जी राजकुमार जी, चेहरे पे तो मुस्कान आपकी पहले ही दिख रही है। हाँ जी, क्या ये मुस्कान कैसी, क्या मीडिया वालों को देखकर ये मुस्कान है या फिर अच्छे दिनों वाली मुस्कान है? ये अच्छे दिनों को देख के मुस्कान हो रही है जी हमारी, जो हमने वादे सुने थे ये उसी की मुस्कान है। जो वादे सुने थे कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हमें तो कहीं कोई दिखाई दे नहीं रहा। इंटर बीएड वगैरह वगैरह करने वाले बच्चे आज तक सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं है, ना तो कोई प्राइवेट है ना कोई सरकारी है। इससे बड़ा आत्महत्या भी कर रहे हैं लोग बाग, और बड़ा बहुत असमंजस में डाल देती है ये चीज़ के, इसमें ना तो बाहर से ही कोई काम आ पा रहा है अभी तक, लोग बड़े परेशान हैं इसको लेके। अब 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी, प्राइवेट नौकरी पर कोई पैसा नहीं पड़ रहा है। जी मैं एसफोर्ड में कारीगर हूँ, सिलाई मशीन चलाता हूँ। कारीगर है और आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला? नहीं जी, नहीं जी। सरकार जो दावे करती है, जो वादे करती है, उन वादों में से पहले कौन कौन से वादे आपको याद है, 9 साल बीत गए, पहले वो समझ लेती हूँ। जी हमारे लिए तो ऐसा कुछ वादे दिखाई नहीं दिए, कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो हमें दिखाई दिया है, सारे वादे झूठे हैं। पता नहीं सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हमें तो कुछ नहीं समझ में। 9 साल गरीब कल्याण के नाम कर दिए, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया गया है? क्या काम किया गया है? सिलेंडर दे दिए, लेकिन उसके साथ साथ में एलपीजी गैस बढ़ा दिया। एक मिनट, सिलेंडर दे दिए लेकिन उसका जो है दाम इतना हाई कर दिया कि आम जनता परेशान है उससे। और चलो तीनों चारों चीजें गिनवा रहे सर, इतने गुस्से में सारे दाम नहीं, गुस्से में नहीं कहता, कह रहा हूँ मैं तो, ये वो एक बड़े भाई के राशन की योजना सरकार लगातार गिनवा रही है, 80 करोड़ लोगों को रुपए किलो है चीनी, बताओ ना, राशन सरकार दे रही है मुफ्त, राशन मिल रहा कोई भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला किसी को भी, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, गरीब आदमी वैसे ही मरा जा करके। सबकी प्रतिक्रिया पहले ले लेते हो, क्या कह रही मैम, महंगाई बढ़ गई है? महंगाई बढ़ चुकी है, कुछ नहीं मिलता है मैम, चीनी 22-23 रुपए किलो मिलती थी, आज 40-50 रुपए किलो हो रही है। अच्छा चीनी के दाम, सब्जियों के दाम, तमाम दाम आप गिनवा रही हैं, टमाटर भी गया, सब्जी प्याज आलू सभी चीज के दाम बढ़े, 10 रुपए किलो चीज है वो 20-25 रुपए किलो मिल रही है। गरीब इंसान सुबह ज्यादा शाम तक 10-12 रुपए कमाता है, क्या खाएगा क्या बचा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा वो, कुछ नौकरी कहीं रखी है, 10-12 में कोई गुजारे होते हैं कहीं? तो पहले भी थी प्याज, देखो पहले कितना रुलाया प्याज ने, महंगाई पहले थी, काम भी था, नौकरी थी, अब तो कोई नौकरी भी नहीं है, अब नौकरियां ही नहीं बची। हाँ वादा तो की थी कि नौकरियां देंगे, महिलाओं को भी मान सम्मान देंगे, अब नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई राशन वगैरह कुछ नहीं है। आटा 11 रुपए किलो था, आप देख लो 11 रुपए किलो आटा है, 40-55 रुपए किलो आटा मिलता है। तो मोदी सरकार कैसी लगी आपको, क्या महिलाओं के लिए काम किया? कुछ नहीं, हमें तो बकवास लगी है। बकवास लगी? हाँ हमारे लिए तो एक भी थैले की नहीं। अच्छा मोदी जी ने अपनी जिंदगी खपा दी देश सेवा में, आप कह रहे हैं बकवास सरकार कुछ भी नहीं करा, सिलेंडर दे दिया कि हाँ गरीबों को सिलेंडर दे रहा हूँ, महिलाओं को सिलेंडर दे रहा हूँ, क्या 300-400 रुपए का सिलेंडर पड़ जाता था, और आज 11-12 रुपए को क्या दे दिया उसने, और हमसे ही खा रहा है, उल्टा हमसे ही खा रहा है वो, कुछ दे रहा है
नहीं तो पक्की छत तो दी ना, राशन दे दिया आपको, सिलेंडर दे दिया, कुछ नहीं दिया, पक्की छत क्या सुनने में आए। ताजमहल बनवा दिया भैया। नहीं आप बोले हो, राम मंदिर तो बनवा रहे हैं, देखिए आत्मनिर्भर भारत बनवा रहे हैं। राम मंदिर बनवाया अच्छी बात है, लेकिन उससे राम मंदिर में जाके हमारी कोई परेशानी। चलो बड़ा राज मंदिर में जाके क्या भीख मांगेंगे, क्या वहाँ पढ़ पाएंगे, क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, बड़ा वादा है, निभा तो दिया। क्या राम मंदिर में क्या करोड़ों लेके भीख मांगने, क्या घंटा बजाएंगे जाके वहाँ पे, चाहते कि आपकी सरकार ये काम करे कहीं जाके। हाँ हम तो जब जाने कहीं पे सरकारी कहीं खुलवाया हो पाए कि खाने बच्चों के लिए, महिला सुरक्षा दे दी, आप देखिए गुंडा राज करने के लिए कुछ गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है मैम, बस दिखावटी को खत्म है, कुछ खत्म नहीं हुआ, उससे भी दुगुनी आ चुकी है गुंडा राज। आप खुले में आराम से जा सकते हैं, देखिए सड़कों पर कोई नहीं है, नहीं पहले से ही इतनी अभी भी हो रही है, अब और ज्यादा है, अब और ज्यादा ऐसे लगते। कभी सुना है उनके भाषण? सुना है, सब बकवास है, कुछ नहीं है, हम बोल रहे हैं कुछ नहीं है मैम। चलिए भैया, देश से गरीबी मिटाएं, लेकिन गरीबी नहीं मिटाएं, लेकिन गरीबों को जरूर मिटा देगा मोदी जी। 27% लोगों को गरीबी से बाहर ला दिया, और क्या चाहिए आप? क्या क्या आपको लग रहा है गरीबी क्या मिट गई, क्या परेशानी बंदे कम हुई है, आप बताओ मोदी सरकार में। तो कल गिनवा रहे थे कि 27% जो गरीब लोग थे उनको गरीबी से बाहर निकाल दिया, बड़ा काम। मैम मेरे पास घर भी नहीं है, ठीक है, ना कोई जमीन है, ना कोई जाए, ना ही रहने के लिए घर है। चले देखिए बड़ी संख्या में लोग छुप चुके हैं तरफ। और उत्तर प्रदेश जी, तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी मुद्दा है आम जनता की महंगाई, और कंपनियों में जो ब्रेक मिल रही है, जो एक्सपोर्ट लाइन है, 90% जो कंपनियां यहाँ पे एक्सपोर्ट हाउस है, जिसमें जो है आम जनता बहुत परेशान है। गेट पे आप किसी भी कंपनी के गेट पे चले जाओगे, पर डे आपको मिनिमम मैक्सिमम तो छोड़ो, मिनिमम जो है 100 से 200 वर्कर मिलेंगे जॉब के रिकॉर्डिंग, लेकिन जॉब मिलते नहीं है। क्या हेल्पर की जॉब नहीं है? जो हेल्पर की सैलरी 10,000 है, वो हेल्पर की जॉब नहीं मिलती, अगर मिल भी रही है तो उसे ब्रेक दिया जा रहा है। तो क्या है ना भैया, जिसमें क्वालिटी है, योग्यता है, उनको नौकरियां मिल गई। अब आपने योग्यता नहीं, योग्यता रहने पर, योग्यता वाले भी तो घूम रहे हैं, योग्यता वाले भी घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से कि हमारी आवाज हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी के बम्बा है। वो बड़े मुद्दे ये हैं, बेरोजगारी और महंगाई जी, इन पर सरकार ने क्या काम किया, चलिए बताइए। बस यही मुद्दे हैं हमारा। काम कुछ किया सरकार ने, ऐसे ही वादे कर? नहीं, काम तो किया है, काम नहीं किया, इंडस्ट्री लाई है, यूनिवर्सिटी लाई है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, हमने जो आपसे बात किया, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा कि बेरोजगारी दूर करे, रोजगार। सबको ही सरकारी नौकरियां चाहिए भैया, कैसे नहीं देंगे? चाहिए मुझे, प्राइवेट चाहिए, सरकारी नहीं चाहिए मुझे, प्राइवेट चाहिए। चलिए मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेता आपके घर घर आएंगे, गली गली घूमेंगे और रिपोर्ट कार्ड भी लाएंगे, 9 साल के हमने ये काम किया, तब क्या मन में चलेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए मन में सबसे पहले योगी जी तो काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री जो आ रही है, काम है नहीं किसी भी, आप एक्सपोर्ट की तो छोड़िए, किसी भी कंपनी पे जाओ, आप किसी भी इंडस्ट्री पे जाओ, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा होता है वो होता है रोजगार, रोजगार को बढ़ावा देना। चलिए भैया, मतलब बेरोजगारी और रोजगार को लेकर वादे तो सरकार ने कई किए थे कि बेरोजगारी खत्म कर देंगे।